हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चोपड़ा एजुकेशन और मैं हूं हरसाई चोपड़ा। दोस्तों, इंडिया में आर्मी वेलफेयर द्वारा मेडिकल फील्ड में दो प्रकार की कॉलेजें चलाई जा रही हैं। एक तो मेडिकल कॉलेज है जिसे आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज कहा जाता है, यानी ACMS, और दूसरी डेंटल कॉलेज है जिसे आर्मी कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज कहा जाता है, यानी ACDS। ये दोनों ही प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको आर्मी कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज यानी ACDS के बारे में बताऊंगा। इसमें मैं आपको नंबर ऑफ सीट्स, फीस, एडमिशन कैसे लें, कौन कौन से कैंडिडेट इसमें एडमिशन ले सकते हैं, एडमिशन के टाइम में डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, वीडियो को लाइक व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी हम कॉलेज की बाकी डिटेल्स के बारे में जानकारी लेते हैं। तो ये आर्मी कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज सिकंदराबाद में स्थित है। यह आर्मी द्वारा संचालित की जाती है, आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी द्वारा ये रन की जाती है। और इस कॉलेज का एम जो है वो है हाई स्टैंडर्ड एजुकेशन प्रोवाइड करना, जो आर्मी के पर्सनल सर्विस कर रहे हैं और जो रिटायर्ड हैं उनके लिए। तो ये एक प्राइवेट अनएडेड एंड नॉन माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है। इसके बाद में हम बात करते हैं इसकी सीट्स के बारे में, नंबर ऑफ सीट्स। तो ये कॉलेज बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी कोर्स यानी BDS कोर्स भी ऑफर करती है। इसके बाद में इसमें MDS यानी PG कोर्स भी ऑफर करती है। तो इसमें BDS के लिए टोटल 40 सीट्स हैं। इसमें 34 सीट्स आर्मी कैंडिडेट्स के लिए हैं जिनके फादर आर्मी में हैं, सर्विंग कर रहे हैं या फिर रिटायर हैं, उनके लिए 34 सीट्स हैं। और इसके बाद में 6 सीट इसमें स्टेट के कैंडिडेट के लिए हैं, जो सिविल कैंडिडेट हैं उनके लिए 6 सीट हैं। इस प्रकार से टोटल BDS की 40 सीट्स हैं। इसके बाद में इसमें PG के जो MDS कोर्स चलाए जाते हैं वो 6 प्रकार के कोर्स चलाए जाते हैं इसमें। इसके बाद में इसकी एडमिशन क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो इसमें एडमिशन नीट के थ्रू ही होता है, नीट के मार्क्स के अनुसार होता है। जो इसमें एडमिशन अथॉरिटी है वो तेलंगाना स्टेट की एडमिशन अथॉरिटी KNRUHS है, वो ही इसमें एडमिशन करवाती है। कनोजी नारायण राव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज हैदराबाद है, इसके द्वारा ही इसमें एडमिशन किया जाता है टोटल 40 सीट्स के लिए। इसके बाद में इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो जो 34 सीट्स हैं वो 34 सीट्स के लिए आर्मी के सर्विंग पर्सन या रिटायर पर्सन या फिर जो विडो हैं उनके लिए ये रिजर्व हैं, उनके वार्ड्स के लिए रिजर्व हैं। इसमें अलग अलग सर्टिफिकेट दिए हुए हैं, उन सर्टिफिकेट्स पर आपने उन सर्टिफिकेट को फिल करके साइन करवा के अथॉरिटी से उसके बाद में ये सबमिट करना होता है। इसमें सर्विंग का अलग सर्टिफिकेट है, रिटायरमेंट का अलग सर्टिफिकेट है। तो इसमें अलग अलग क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी दे रखा है। इसमें 10 ईयर सर्विस होना चाहिए जो सर्विंग पर्सनल हैं। इसके बाद में अडोप्टेड और स्टेप चिल्ड्रन के लिए भी इसमें कंडीशन दी हुई हैं, तो इसका आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख सकते हैं इसमें। इसके बाद में एडमिशन के लिए जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो इस प्रकार से है कि जो ये KNR यूनिवर्सिटी है ये दो प्रकार के नोटिस निकालती है। एक नोटिस उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके लिए 34 सीट्स हैं, आर्मी के सर्विंग और रिटायर्ड पर्सनल हैं उनके लिए नोटिफिकेशन निकालती है। उसके बाद एक सेपरेट नोटिफिकेशन उन कैंडिडेट के लिए निकालती है जो 6 सीट्स हैं और ये तेलंगाना स्टेट के लिए हैं, और इसमें अलग से इनकी काउंसलिंग होती है। तो जो 34 सीट्स वाले कैंडिडेट हैं जो रिटायर्ड और सर्विंग आर्मी के पर्सनल के जो वार्ड्स हैं उनको उन 6 सीटों के लिए आवेदन नहीं करना है, नहीं तो ये आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा। जो वार्ड्स हैं आर्मी के वो 34 सीट्स के लिए ही अप्लाई करें। इसमें अप्लाई करने के लिए
नीट का एग्जाम देने के बाद में ये KNR यूनिवर्सिटी द्वारा नोटिफिकेशन निकाला जाता है रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आगे काउंसलिंग की कार्रवाई होके इसमें एडमिशन लिया जाता है। अभी एडमिशन के टाइम में आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, जैसे आपका एडमिशन हो जाता है तो उसमें आपको ओरिजिनल सेट के साथ में 8 सेट फोटोकॉपी के ले जाने हैं कॉलेज में ज्वाइनिंग के लिए। उसमें प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर है जो KNR यूनिवर्सिटी द्वारा इश्यू किया जाता है। उसके बाद में एडमिट कार्ड है जो आपका नीट का जो आपने एग्जाम दिया है उसका एडमिट कार्ड और उसका रिजल्ट की कॉपी। उसके बाद में एज का प्रूफ जिसमें आपकी 10th की मार्कशीट हो सकती है। इसके बाद में 12वीं का 10+2 का सर्टिफिकेट चाहिए इसमें, और इसमें मार्कशीट 12th क्लास की, और इसमें TC जो स्कूल ऑब्लिक इंस्टीट्यूट लिविंग सर्टिफिकेट। इसके बाद करेक्टर और कंडक्ट सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज पर पैरा 10, यानी इसमें अलग अलग सर्टिफिकेट दिए हुए हैं कि ये सर्विंग आर्मी सर्विंग पर्सनल के लिए सर्टिफिकेट है, ये आर्मी रिटायर्ड पर्सनल के लिए सर्टिफिकेट है, उनके वार्ड्स के लिए। तो इसमें जो आप जिस सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल हैं वो सर्टिफिकेट आपको वहाँ प्रोड्यूस करना होगा। इसके बाद में इसमें PPO की ओरिजिनल कॉपी, अगर रिटायर्ड हैं तो वेरिफिकेशन के लिए ओरिजिनल कॉपी चाहिए। इसके बाद में माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए और फोटोग्राफ चाहिए, 8 पासपोर्ट साइज के 8 फोटोग्राफ चाहिए इसमें। इसके बाद में स्टैम्प साइज के 8 चाहिए और पासपोर्ट साइज के 8 फोटोग्राफ चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में, जो फॉर्मेट इसके ऊपर दिया हुआ है काउंसलिंग के टाइम पर ये जरूरत है। अगर गैप सर्टिफिकेट है, आपने गैप लिया है 12th के बाद, तो आपको गैप सर्टिफिकेट यहाँ प्रोड्यूस करना होगा। इसके बाद में सर्टिफिकेट 7 अंडरटेकिंग का पेरेंट्स और स्टूडेंट का आपको ये प्रोड्यूस करना पड़ेगा। इसके बाद में डिपेंडेंसी सर्टिफिकेट करना पड़ेगा प्रोड्यूस, और अंडरटेकिंग बाय पेरेंट्स और स्टूडेंट को BDS कोर्स के लिए जो सी पर दे रहा है, अपेंडिक्स सी पर दे रखा है, वो आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा काउंसलिंग के टाइम पर। इसके बाद में 3 लाख का बॉन्ड देना पड़ेगा KNR यूनिवर्सिटी के जो प्रोस्पेक्ट में है, वो 3 लाख रुपए का बॉन्ड देना है। इसके बाद में इसमें फीस और रिफंड के बारे में देखें हम, तो ये एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के लिए इसकी फर्स्ट ईयर की जो फीस है वो इसमें दिखा रखी है फीस। वैसे टाइम टू टाइम इसमें सेकंड ईयर फाइनल ईयर की कम या ज़्यादा भी हो सकती है। तो इसमें जो फर्स्ट ईयर की फीस दे रखी है वो ट्यूशन फीस और अलाइड चार्जेज है 2,90,625 रुपया। इसके बाद हॉस्टल फीस है 32,400 रुपीज़, और रिफंडेड सिक्योरिटी डिपॉजिट जो एक ही बार जमा होगी फर्स्ट ईयर के टाइम में वो 40,000 है, वो आपको कोर्स के लास्ट ईयर में मिलेगी, जिस पे कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं मिलेगा। ये 40,000 आपकी एक ही बार जमा होगी और लास्ट ईयर में मिल जाएगी। तो इस प्रकार से फर्स्ट ईयर की जो टोटल फीस डिपॉजिट होगी वो 3,63,025 रुपये होगी। अगर इसमें हम रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट निकाल देते हैं तो इसमें 3,23,025 रुपये फीस है इसकी सालाना, जो फर्स्ट ईयर की फीस दिखाई है इसमें। इसके बाद में हम कट ऑफ की बात करें 2019 में, तो 2019 में कट ऑफ रही थी इसकी ऑल इंडिया रैंक 3,03,288, यानी मार्क्स थे 274, यानी कि जिसके 274 मार्क्स थे उसका सिलेक्शन हुआ था लास्ट मॉपअप राउंड में। तो इस प्रकार से आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन के लिए आपको नीट क्वालिफाई करना होगा, और नीट क्वालिफाई करने के बाद में जैसे ही नीट का रिजल्ट आ जाएगा, जून में नीट का रिजल्ट आ जाने के बाद में जून 15 या 20 के तकरीबन ये KNR यूनिवर्सिटी द्वारा नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। उस नोटिफिकेशन में आपको फॉर्म अप्लाई करना है। फॉर्म अप्लाई करने के बाद में आपने ये सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करके काउंसलिंग करवानी है KNR यूनिवर्सिटी द्वारा, जो की जाती है तेलंगाना स्टेट के लिए, ऑथराइज कमेटी है ये। इसमें MBBS के साथ ही इसकी BDS की काउंसलिंग भी होती है।
तो दोस्तों ये जानकारी थी SCDS यानी आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज के बारे में। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, वीडियो को लाइक व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ में नए वीडियो में, तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।